एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। जमी थंबनेल ले मुझे कही कि ऑलरेडी सिलेबस चेंज हो गला ईबीएस रो से आज ये वीडियो बनाऊँगी। मुझे नोट्स दे था बहुत पिलांकर कमेंट्स आसाला कि मैम आमको नोट्स दिंतु ईबीएस नोट्स आम पाखे ना सो बर्तमान मुझे नोट्स दे था कितु एवं गोटे चिठी आसिक पहुँचला कि ऑलरेडी चिठीटा 4 तारिख रु आसी सारा कि कनफर्म हो नी सिलेबस अनुसार तुमको पढ़ा हे ना पढ़ा हेनी से मुझे कनफर्म होने वीडियो बनाऊँगी। जमी तुम एथिक्स एंड वैल्यू नुआ गोटे पेपर आड कराई सेमती ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस ऑलरेडी तुम्हें पढ़ुल किंतु तार सिलेबस संपूर्ण भाव में चेंज कर दिखाई बहुत जिनस आड कर दिखाई 50% कोर्स आहुरी आड कराई जी थिला आहुरी 50% कोर्स आड कर दिखाई बहुत सारा जिनस आड कर दिखाई एत कम समय भितर एत गुड़ाए कोर्स कवर करार अच्छे मुझे जानी सब कलेज सब स्टूडेंट मानक अपडेट कराला कि ना से मुझे वीडियो बनाऊँच सब स्टूडेंट्स मानी फास्ट इयर पिला आर्ट्स कमर्स साइंस जिते भी अच्छा जो मैंने भी वर्तमान एनवायरमेंटल साइंस रा एग्जाम देते 100 मार्क्स से मानी ए नुआ सिलेबस तो देखिपार गोटे चिठी मुझे आई चिठी गवर्नमेंट तरफ आतीक सब एडेड कलेज अच्छी गवर्नमेंट कलेज जो कलेज वर्तमान सुधा एग्जाम होना तो इत्कल यूनिवर्सिटी तरफ ए चिठीटा सब कलेज को आसी देखिपार लिखाई 4 तारिख रु चिठी आसला 5/4 मानने मे 4 तारिख रु ये चिठी आसला कि 2 दिन मुझे अपडेट होगापी टी वेट करी ये चिठीटा अनुसार से जो सिलेबस अच्छे से पढ़ा हे ना जहाँ आम पुराणा पढ़ुते से ही कंटिन्यू कर तो गवर्नमेंट रू आसीगला जे आम जो नुआ सिलेबस इंट्रोड्यूस करूँ से नुआ सिलेबस अनुसार ही क्वेश्चन आसो से नुआ सिलेबस अनुसार बर्तमान जी समय अच्छे से भितर सब कोर्स कभर करने को पड़ा। देख लिखाई मैडमन सर आज इंटीमेंटेड बाय ओडिशा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अ न्यू कोर्स एथिक्स एंड वैल्यूज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द +3 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 सब्सिक्वेंटली द सिलेबस हैज बीन रिकमेंडेड बाय अ जॉइंट बोर्ड ऑफ स्टडी एंड अप्रूव्ड बाय द वाइस चांसेलर। सो वाइस एथिक्स एंड वैल्यूज जो पेपर टा वर्तमान वाइस चांसेलर द्वारा अप्रूव हो सारी एंड साकु तुम्हें पढ़व 25 मार्क एग्जाम सो से मुझे ऑलरेडी तुमको कही सारी तार क्वेश्चन आंसर कराई 200 क्वेश्चन न क्वेश्चन आंसर मुझे बही मध्य प्राक्ट कर 25 रु 25 रही गोटे मार्क काटिपर एवं देख नेक्स्ट लिखाई सिमिलरली द रिवाइज सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हाज अल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द +3 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल द कॉलेजेस अर्लियर नाउ एज पर द गाइडलाइन एंड रेगुलेशन द क्वेश्चन पेपर फॉर +3 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 विल बी सेट अकॉर्डिंगली। तो वर्तमान जो एनवायरमेंटल साइंस करके पढ़ुते एवं चेंज कर दिखाई कि एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिखाई एंड 2021 ने जो पे कि एडमिशन करते फर्स्ट सेमिस्टर में नुआ कोर्स को पढ़े दैट मीनस एनवायरमेंटल साइंस वर्तमान कन्वर्ट हो जाए एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को या भितर जहाँ भी नुआ सिलेबस सब पशिच से समस्त को इनक्लूड कराई पढ़ा हाँ से सब सिलेबस अनुसार क्वेश्चन वर्तमान आसो। हाउएवर फॉर एथिक्स एंड वैल्यूज द टॉर्मेंट एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड द आंसर स्क्रिप्ट्स विल बी इवैल्युएटेड बाय द कंसर्न टीचर्स एट द कॉलेज लेवल। There will be no midterm examinations in this paper. Students may be communicated the question pattern as per the enclosed letter. So ethics and values रो जो exam हबो तार केवल torment that means semester exam हबो कोनो सी प्रकार internal exam हबो नहीं so सेति पई चिंता करबा दरकार नहीं अब जो भी exam दबो ता college level रही देखा जीव। For the paper Environmental Studies and Disaster Management, only for this term and examination, more weightage will be given to old content with more number of questions in the paper to compensate the examinees on the revised syllabus. So, जो नुआ syllabus वर्तमान introduce है जी Environmental Studies and Disaster Management ऊपर है, या को ही नहीं करी अमरे semester exam हवा, यारी ऊपर ही सब तीखा question ऐसे बा, नुआ syllabus answer पढ़ी बाको पढ़ी बा, आउ तरह सब पढ़ी बाको पढ़ी बा, and जहाँ भी अमरे exam रे question ऐसे बा बेसी प्रायोरिटी दिया हबा पुराणा सिलेबस को जेहेतु आम मैंने पुराणा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर सारी केवर पाठपढ़ा सरी जाए 2-3 सप्ताह भितर आमको सब कम्प्लीट करने को पड़ा जहाँ भी नुआ सिलेबस आड होती 2-3 वीक भितर आमको कम्प्लीट करने को पड़ा तो 2-3 वीक भितर जेहेतु कम्प्लीट करने को पड़ी से कहुई बेसी प्रायोरीटी बेसी फोकस दिहब
प्रीवियस सिलेबस को तार भितर मैक्सिमम क्वेश्चन आसो 70% 80% क्वेश्चन बेसी आसो पुराणा सिलेबस रु आ नुआ सिलेबस रु अल्प किसी क्वेश्चन आसो कि कौन क्वेश्चन आसो आम तो करना ना आम कम हो आम पढ़ा सो आम पढ़ा जहाँ भी क्वेश्चन आसो आम पॉजिटिवली अटेंड करवा सब जिनस बुझा सब जिनस ओडिया बुझीदा बुझी सारापर तार आंसर करदे किसी डिफिकल्ट हेनी सो जमी मुझे तुमको कही नुआ सिलेबस या तुम मैं देखी से नुआ सिलेबस कौन कौन सब आड हो सिलेबस अनुसार बर्तमान आमको पढ़ा पड़ो ए देखिपार तुम सामने देखा एनवायरमेंटल स्टडीज नुआ सिलेबस एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एईसीसी वन सेमिस्टर वन अंडर ग्राजुएट स्टूडेंट मान आर्ट्स कमर्स साइंस समस्त कंपलसरी तो देख फास्ट यूनिट अच्छी एनवायरमेंट द एनवायरमेंट जहाँ थी से पुराणा सिलेबस द एटमॉस्फेयर थिला लिथोस्फेयर थिला हाइड्रोस्फेयर थिला बायोस्फेयर एंड नुआ सिलेबस ठीक सेम से जिनस अच्छी किसी चेंज है इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम थिला पुराणा सिलेबस रे सेम जिनस थिला ए नुआ सिलेबस रे भी सेम जिनस अछि बायोजियो केमिकल साइकल रे चेंजेस हेजी आगुरु थिला कार्बन साइकल एंड नाइट्रोजन साइकल जस्ट जेतेबेले मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काली ही डिस्कस करथिली सेतेबेले मु नाइट्रोजन साइकल आमे देखथिले पड़ी जाइथिला एंड तुमको मु कार्बन साइकल डायग्राम भी दे देथिली किंतु एबे देखो ऐड हेजी वाटर साइकल आ गोटे नुआ जिनस ऐड हेजे बायोजियो केमिकल साइकल रे तो नेक्स्ट पल्यूशन वाटर पल्यूशन थिला एयर पल्यूशन थिला सॉइल पल्यूशन थिला रेडिएशन पल्यूशन थिला किंतु इंडस्ट्रियल पल्यूशन लाइट पल्यूशन साउंड पल्यूशन ए तीनटा नुआ पल्यूशन एबे ऐड हेचे जहाँ को हमको कवर करिया को पड़ी बा ए 2 to 3 weeks भीतरे देन एनवायरमेंटल लॉज जहाँ जहाँ भी लॉज थिला सबू 1974 1981 1972 1986 1980 सबु लॉ गुड़ाक पुराणा सिलेबस रे भी थिला सो एनवायरमेंटल लॉ किछि चेंज हैनी एबे जेबा यूनिट 2 जोटा कि संपूर्ण भाव में चेंज हो जाए क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलेशन इकोलॉजी पुराणा सिलेबस यूनिट 2 रे थिला सो वर्तमान सेटा यूनिट 2 रे पॉपुलेशन इकोलॉजी गोटे चैप्टर होकर अच्छी पॉपुलेशन इकोलॉजी रे कौन से प्रकार चेंजेस होनी जहाँ थी से सेम अच्छी देखिपार इंडिविजुअल स्पेसीज पॉपुलेशन कम्युनिटी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स अर्बानाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी जहाँ थी से सेम जिनस अच्छी किसी चेंजेस होनी चेंज हो कौन ता तौक देखिपार लिखाई क्लाइमेट चेंज र अच्छे कजेस इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नेक्स्ट अच्छी स्टेप्स टेकन टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देन अच्छी ब्रीफ आइडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीस एजेंडा 21 ऑफ रियो अर्थ समिट ये तीन टा चैप्टर नुआ पूरा पूरी ऐड है यूनिट 1 ने तो जहाँ ऐड है टिके टिके यूनिट 2 रे पूरा तीन टा चैप्टर ऐड है सेमती यूनिट 3 संपूर्ण भाव में नुआ अच्छी यूनिट 3 रो डिजास्टर मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क प्रिपेयर्डनेस मेजर्स सर्वाइवल स्किल्स ए सबुतिक नुआ ऐड है यूनिट 4 रे मध्य सेमती कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थिला किंतु इंती प्रॉपर एग्जांपल देके से किछि कुहा है नथिला सिलेबस रे खाली दिया है थिला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स ट्रांसमिशन देन थिला कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स ट्रांसमिशन किंतु एटी देखो केमती दे छी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गोटे चैप्टर हो जाए विथ स्पेशल रेफरेंस टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैंसर डायबिटीज हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी एंड देयर प्रिवेंशन ये ऊपर देछि देन कम्युनिकेबल डिजीज रे कौन देछि विथ स्पेशल रेफरेंस टू कोविड 19 फ्लू हेपाटाइटिस एड्स एंड टीबी जहाँ आम ट्यूबरकुलोसिस बोली कहते एंड देयर प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन ये देछि तुमर आउ गोटे चैप्टर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज को वर्तमान गोटे गोटे चैप्टर कर दिया है एंड स्पेसिफिकली मेंशन कराई जे यही चैप्टर पढ़ा जावा दरकार देन देख डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप इवेंट्स आफ्टर इन्फेक्शन दैट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी फिफ्थ सेमिस्टर पिलांकर गोटे पेपर जुलोजी रोज इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी आक्वाड इम्यूनिटी एक्टिव पैसिव ए सब जुलोजी पिलांकर गोटे पेपर रोज किंतु ताकू ऐड कर दिया है वर्तमान एनवायरमेंटल साइंस रे सो इम्यूनिटी वर्तमान गोटे पेपर जोटा कि तुम गोटे चैप्टर ऐड कर दिया है तार एक्टिव इम्यूनिटी कौन पैसिव इम्यूनिटी कौन इनेट कौन आक्वाड कौन
କ'ଣ, ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ, ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ, ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର କରାହେଇଛି କ'ଣ ନା ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ସେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏପିଡେମିକ୍ସ ଅର୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ସ ଡିଜିଜ୍, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମେଜର୍ସ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଭାଇସେସ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେଜର୍ସ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଆଇସୋଲେସନ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ନୂଆ ଚାପ୍ଟର କରାହେଇଛି ଏପିଡେମିକ୍ସ ଆଉ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଡାଏଟ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ୟୋଗା ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପିଂ ହାବିଟ୍, ଇଏ ତମର ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ହେଲ୍ଥ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆଡ୍ କରାହେଇଛି। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ହେଉଛି, କମ୍ୟୁନିଟି, ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାସ୍, NGOs, ଏସବୁଥିରେ କେମିତି ହେଲ୍ଥ ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ହେଲ୍ଥ ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ କେମିତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାହେଉଛି, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି, ନୂଆ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଡ୍ କରାହେଇଛି। ସୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 4 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ, କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇନି, ଆଉ ଥରେ କୁହାହେବ, କଲେଜରେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ା ହେବ, ଆହୁରି ଥରେ କ୍ଲାସ୍ କରାହେବ, ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସୋ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜାଣିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲ, ଆୱେର୍ ହେଇଗଲ, ଯେତିକ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଡେଡ଼୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସିଲାବସ୍ ସେମାନେ ଦେଖ, ଜାଣ କ'ଣ କ'ଣ ତମ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ସିଲାବସ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିକି ରଖ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ କଲେଜରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ସୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏସବୁ କରାଇଦେବି, ସବୁଥିର ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି, ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିର ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଇବି। ସୋ ଟେନସନ୍ ହେବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର, ନିଜେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ନୋଟ୍ ଦେବି, ସୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ବି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଦେବି, ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ, ସେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯାହା ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ସେସବୁକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆରାମସେ ଭଲ ହେବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, କେବଳ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ 80 marks ହେବ, ଆଉ ସେଇ 80 marks କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ହେଇଛି, ଏ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯାହା ବି ଆମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ରହିଲା, ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନର ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି ସେ ବିଷୟରେ। ଯେବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମ କରିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସବୁ ନୋଟ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାଦର କରିବାର ଅଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଣ୍ଡ ତୁମମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ ଯଦି କେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ କିଛି ବୁଝିହେଲାନି, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍, କ'ଣ ନୋଟ୍ସ କିଛି ବି ଯଦି ଦରକାର, ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର, ଆଇ ମିନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ, ଦେନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶେୟାର୍ ବି କରିଦିଅ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶେୟାର୍ ବି କରିଦିଅ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।